बलविंदर सिंह जी बहुत ही सानू मान ज़्यादा ही दे जा रहे थे, इन्ने हकदार अस नहीं है। पर चलो बच्चों की ख्वाहिश है एक दिन ये मिले, कहते भी तुम जरूर आना। वैसे मैं तो वैसे थोड़े कहते नहीं, मैं तो वैसे ही पहुँच जाना, पर इन्हें मैंने बहुत जोर दिता, पर इन्हें मैंने इस साल अगराई वास्ते भी जोर दिता, पर मैं मेरे हूँ ये फुरसत तो बाहर है। पातशाह ने जो थानू एक बड़ी एक अच्छी वीह के उ तोरिया, वो तोरन वाले साढ़े नौजवान बच्चे पहले सन थोड़े को ही सरदार बैठे ने अपना साढ़े बाबा जी सरकार योग जो कि इस वक्त लखविंदर सिंह जी जिड़े कि उन्होंने नाल पहले उन्होंने साथी सन, तो साढ़ा ही लड़का जसपाल सिंह प्रधान परमजीत है, ये जगजीत सिंह जीता थोड़े तो विछड़ चुके हैं, उस टाइम के नौजवान जोड़े इन्होंने नाल हिस्सा भी लै रहे सन, उन्होंने उपराला तो साडा सहयोग, साडा सहयोग जोड़ा है वो असी दिता से इन्होंने जरूर शुरू किया, बाद थोड़ी कशमकश भी हुई, पर फिर भी ये नौजवान साढ़े डोले नहीं, इन्होंने चाहे कुछ भी बिच जे परेशानी भी हुई सी, दूसरा प्रधान चाहिए वो चाहिए आ चाहिए, उस तो ये नहीं डोले, इन्होंने अपनी कार्रवाई नौजवानों ने शुरू ही रखी। तो सतगुर सच्चे पातशाह बड़ी ही एक मेहर की है इस नगर के उपर, इस नगर ने यह टूरनामेंट शुरू किया और अज 9-10 साल हो गए ने यह टूरनामेंट में चलते हुए। देखो जी खेल जी है ना, जो खिडारी है ना जो कहते कि ग्राउंड से गया है, जो बाल की गिड़े बजती है ना तो वो दिल से धड़कन पैदा हो जाती है कि मैं ग्राउंड से किदा छेती पहुंचा, जो ग्राउंड खेले है किसी भी ग्राउंड तो वो ही ज्यादा इंट्रस्ट लेंदे ने जिन्होंने ग्राउंड वड़ के कुछ थोड़ा बहुत जरूर दिखाया है। सो अज दे युग दे विच बहुत सारे खेल मेले कराए जा रहे हैं, क्यों कराए जा रहे हैं तुहानू तो पता ही है कि नशा पता जिहड़ा है इन्ना वध गया, किस जिसका बचाओ करने वास्ते हर एक बच्चे का रुझान जिहड़ा ना वह बहुत जरूरी है। तो सब तो अच्छा एक रुझान की है खेल नाले ते तुहाडा रिक्रीशन मिलता है ते नाल ही तुहाडी सेहत जिहड़ी है वह चंगी हुंदी है, ते तुहाडा जिहड़ा टाइम है हस मुख के बड़ा सोहना गुजरता है, इत्थे साडे बच्चे शाम नूं रोज़ ही कई दिन तों प्रैक्टिस कर रहे ने, अज भी जे मैं सवेरे इधर गया तो मैं उदों आ तनाव जी लाउंदे हां, मैं बड़े लेट ने तो जिस करी वापस आए तो बिल्कुल ग्राउंड इन्हां चमका के रखना, तो महाराज की कृपा है। हैलो इन्हां नौजवानों के उपर मैं आ गया इत्थे पंडाल च, सतगुर सच्चे पातशाह जी इन्हां नौजवानों के उपर मेहर करे, अज साडे पिंड बड़ा माण मिले, सारी टीम बहुत अच्छी है, सारी टीम के विचों 3-4 जवान जिहड़े ने बाहर फॉरन कंट्री दे विच ही सतगुर सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं मौका दिता है कि एक प्लेयर हुंदिया कम से कम बाहर जाके टीमां जाके वेखियां ने इन्हां ने, तो जाके बड़ा माण प्राप्त किया है, तो शिकार का नाम बहुत रोशन किया। इस करके अपने बच्चों शाम को जिहड़े ग्राउंड च नहीं नहीं खेलते उन्होंने कम से कम वेखण वास्ते जरूर आना चाहिए, वेखण दे नाल भी एक बड़ा मन में शांति हसमुख टाइम जो मानसिक परेशानी जी देती है वो थोड़ी ग्राउंड के आकर खत्म हो जाती है, उस तो थानू बहुत अच्छा एक अजकल जी डिप्रैशन कहते हैं ना एक शब्द है डिप्रैशन, मानसिकता हद जानी किसी कारण किसी होर के कारण किसी मौत के कारण किसी खुशी के कारण किसी फसल के उच्चों घाटे के कारण वो जी बिल्कुल घट जाती है इस ग्राउंड के आना। इस ग्राउंड के साढ़े सरदार संतोख सिंह बाजवा साहब उन्होंने भी काफ़ी शुरू तो ही काफ़ी मदद की है सानू, असी वो भी आके हाजिर हो गए ने, बहुत खुशी हुई है, क्यों एक ही उस चीज़ की बोली ही कि पार्टी पक्ष पूर्ण नहीं, ये शुरू तो ही असी बेनती की
और ये भी यही जिक्र किया सी कि जो हुकूमत दा मिनिस्टर है वो चीफ गेस्ट उसनू बुलाया जाए और महाराज चांदी कला च रखे। साड़ी बेनती है कि हर एक मनुख हर एक साढ़े नगर का वासी इन बच्चों के नाल सहयोग हो क्योंकि सहयोग के नाल ही ये कार्य चलते हैं, कशमकश के नाल कार्य नहीं चलते। बड़ी महाराज की कृपा है साढ़े नगर के उपर चढ़ी कला च जा रहा है और इस ग्राउंड ने तुहाडे नगर का पूरे पंजाब के नाम रोशन कर दिया। इस ग्राउंड के साढ़े खिडारियों ने सू दस दिता है कि असी भी कुछ खेल के तुम दसिया तो इस ग्राउंड के कमाया तो अपने नगर का ना असी उच्चा कर और महाराज चढ़ी कला च रखे। सतगुर सच्चे पातशाह इन्हों खिडारियों की सेहत चंगी बख्शी इन्हों और ये एक चढ़ती कला रहन और इस ही नियम के जिस नियम के नाल ये खेड रहे हैं इन्हों नियमों के नाल ही ये चलते जान अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखन। इतने ही समाप्ति करता वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की कैप्टन गुरचरण सिंह जी मैं बेनती करता साढ़े को पहुंचे साढ़े नगर के सरपंच साहब मैं बेनती करता हाँ कि सरदार बजिंदर सिंह जी एडवोकेट दो मिनट का समा जरूर लैन। वाहेगुरु प्यारे संगत जी अज बहुत सुभागा दिन है जो कि असं अपने पिंड का खेड मेले का अज उद्घाटन कर जा रहे हैं। इस सुभागा दिन साढ़े नौजवान खिडारियों प्रबंधक इस खेड मेले नूं शुरू करन वाले पुराने साढ़े वीर उन्हां दे सहयोग नाल उन्हां दी अथक मेहनत नाल साढ़े नगर नूं प्राप्त हुंदा है। ये पेंडू खेड मेला मेरा ख्याल 1493 या 92 च पहला होया सी 92 च 15 साल तकरीबन हो गए ने इस खेड मेले नूं मनाउंदे आ ते हर वार इस खेड मेले का माण सत्कार इलाके विच वध रहा है। मैनू बहुत खुशी हुई है कि इस ग्राउंड करके इन्हां इस खेड मेले प्रबंधकां करके साडे पिंड दे 3 नौजवान जो कि हुणे हुणे इंग्लैंड तों खेड के आए हैं उन्होंने बहुत माण वधाया साढ़े पिंड का। मैं अर्की अप्रैल गया इंग्लैंड तो उत्थे मैनू आदमी मिलिया था भाजी पिंड केड़ा मैं शिकार माछिया यार ताड़ा शिकार वाला उदों पिछले साल बचा गया से चला पैलफोर्ट सिटी की गल है जो खेडन आया पर भजे दे उत्थे जाण नाल शिकार का ना इंग्लैंड आ गया फिर उदा भी बंदे कोई गया होएगा पर उन्हें मैंने स्पैशल दसिया चार कि 3 मुंडे साडा प्रकाश सिंह आ रहा माण है साढ़े पिंड का जगदीप है जिहड़ा कि खालसाई खेडा विच बहुत ही उत्तम खिडारी मनिया गया सी सारा कुछ इस खेड मेले करके उन्हां मुंडिया विच उत्साह पैदा होया। साढ़े निके निके मुंडे होर भी 2-3 मुंडे ने जिहड़े बहुत ही अच्छा खेल रहे ने भविख विच मैनूं पूरी आस है कि अपने पिंड का
अपने सीनियर की तरह ना रोशन करेंगे। मैं इसलिए सारे नगर नू इलाके नू बधाई देना हां। सम्मान जो सरदार बजिंदर सिंह जी, मैं गल तुहानू नाल दी नाल याद करांदा जावां कि जिथे असी अपने नगर च एक टूरनामेंट करवाया उत्थे असी नाल ही हुणे हुणे जो शताब्दी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, असी भी सोचा कि थोड़ा जिहा असी भी याद करिए। बड़ी तगड़ी कुर्बानी है उस वीर दी इस देश वास्ते, इस भविख वास्ते, नौजवान तबके वास्ते। सो असी भी एक नौजवान तबका होने की खातर असी भी याद किया, यह टूरनामेंट है उस शताब्दी को समर्पित कर दिता। सो गुरु के प्यारो, हुलारा चाहिए नौजवानों मारना कि नौजवान ही एक देश का भविख है। जो भगत सिंह अ 100 साल हो जन्मे हुए हैं तो ओदी शहीदी कि होगा 20 साल या 23 साल की उम्र एक कुरबानी की और देश के दे नाम रोशन कर दिता। तो साड़िया उम्र बड़िया वध चुकिया ने, सानू कि याद करना। एक कुरबानियां होंगे नौजवान तबके करना पैदा, घर छड़ने पैदे ने, अपने काम छड़ने पैदे ने। तो मैं अज याद करदा और याद करवाउंदा इस करके कि साडा फर्ज है। सो अज का प्रोग्राम इस शहीद आजम सरदार भगत सिंह समर्पित है। तो मैं बेनती करता 2 मिनट का समा सरदार सुवन सिंह जी मास्टर साहब मंच त्याग के लमूह नगर निवासी नौजवान बच्चों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्लब बारे, नौजवानों बारे बहुत कुछ दसा जा चुका है। मैं एक गल से इन्हों बधाई देता हाँ कि इन्होंने अज इस टूरनामेंट के नाल शहीद भगत सिंह की कुरबानी को याद किया। तो मैं इस गल की खुशी महसूस करता हाँ कि अज उस नौजवान की शहीदी को याद करदा हुआ इस नौजवान पीढ़ी विच एक नवी रूह पैदा होगी। जिथों तक टूरनामेंट का ख्याल है तो बुलारे ने दसिया है कि टूरनामेंट ने साडे पिंड का नाम रोशन किया है। इस इलाके का बनया हुआ ये टूरनामेंट है जिहड़ा पहलो 3 दिन चलता सी, पर हुण 2 दिन इस टूरनामेंट नूं दिते गए हैं। आपां इधर नूं शामां नूं सवेरे 2 टाइम जाईदा है। तो मेरे ख्याल से 100 तों वध लड़का शाम नूं और सवेरे इस ग्राउंड दे विच हुंदा है। नौजवान इत्थे हाजिर हुंदे हन, उन्होंने आके दरवाजा खोलिया हुंदा है और ग्राउंड दे विच तैयारी करदे ने। ये फकर की गल है कि साडे नगर दे विच बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने नशियां तों दूर ने। इत्थे तुहानूं ये जिन्ने भी कबड्डी खेडदे ने इन्हां चों 2% भी नशियां दे आदी नहीं है। ये एक शिकार पिंड वास्ते बड़ी वड्डी देन है। आम लागे चाके पिंडां च वेख लो जां उन्हां नूं वेखो जिहड़े इस ग्राउंड तों दूर रहिंदे ने, वह नशे च गलतान होए हैं। तो मैं इन्हां नौजवान पीढ़ी नूं, यूथ क्लब दे प्रबंधकां नूं, सारिआं नूं, कमेटी नूं इह वधाई देंदा हाँ कि जिन्हां ने एक चंगा उपराला करके ये नौजवान पीढ़ी नूं एक चंगे पासे तोरिया है और अपने नगर का इलाके का नाम रोशन किया है। जिस तरह अगे भी दसिया गया है कि साड़ी इस क्लब के 3 नौजवान हुणे ही 15-20 दिन होए ने इंग्लैंड च खेड के आए ने,
और चंगा मान प्राप्त किया है उन्होंने। एक उन्होंने चो खड़ारी जग्गा जिन्हों असी कहते हाँ उसनू उधर स्पैशल सम्मानित किया गया है क्योंकि उसने केस रखे हुए सन। केस रखण करके उन्हें स्पैशल सम्मानित किया गया है और स्पैशल इनाम दिता है। तो यह भी एक बड़ी वड्डी प्राप्ति है नगर वास्ते, एक सीध है नौजवानों वास्ते कि वो भी भावें कबड्डी खेडते हैं पर उन्होंने नाल गुरु महाराज जी की रहत मर्यादा के विच भी रहना चाहिए है। तो मैनू कल ही पता लगा है कि धारवाली के भी एक दो नौजवान उन्होंने वेख के तो उन्होंने केस जेड़े रख ले ने जेडे कि कबड्डी के चंगे प्लेयर हैं। तो मैं ज़्यादा ना समा लेंदा हाँ, साडे सत्कारयोग सरदार अमरीक सिंह जी शाहपुर गराया मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुँच चुके हैं, उन्होंने रजीने हैं ज़्यादा, उन्होंने विआह ते भी जाना है। तो मैं इत्थे ही आप जी का फिर दुबारा धन्नवाद करता होया सरदार अमरीक सिंह गुरां नूं और उन्होंने नाल साथी जिहड़े आए ने उन्होंने जीआना कहिंदा हाँ, नाल उन्हां दा धन्नवाद भी करता हाँ कि उन्होंने अपना कीमती समा कढ़िया है ते उद्घाटन करना है। तो इत्थे ही समाप्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। गुरु ने लाई जो फुलवारी उन्हें फुल खड़ाए तो तू दाता, सुती अणख नूं अणख दी चोब ला के सुते जज्बे जगाए तो तू दाता। सारा जग जाने तवले मौत को जग उत्ते करवाए तो तू दाता। सोलह आने सच ने झूठ मासा मंदरी तल खड़काए तो तू दाता। मैं मन करदा अपने इस प्रोग्राम विच पहुंचे हुए सरदार अमरीक सिंह शाहपुर मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सो दो मिनट का समा पहले लैके फिर असं इन्हों को उद्घाटन करवाना मंच ते आके दो मिनट का समा लैके संगतां नाल अपने बचन मुला सांझे करन, उस तों बाद उद्घाटन दी रस्म अदा होनी है। मैं नाल दे नाल बेनती करदा जावां कि क्लब दे प्रधान और अहुदेदार जिन्ने वी ने मंच ते पहुंच जाण। सब पाशियों के सन्मुख शब्द गुरु गुरगद्दी ते विराजमान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की चरण शरण च जुड़ बैठे गुरु भाई सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही मन में खुशी हुई कि तुसी एक बहुत ही अहम कारज, अहम नहीं मैं तुम्हें पवित्र कारज कहाँगा कि इनू आरंभ करने तो पहला हम तुम गुरु चरणा का ऊट आसरा लिया। गुरबाणी का पवित्र फरमान है कीता लोड़ी है कम सो हर पैखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। सिख धर्म की एक परंपरा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने तो पहला गुरु साहब जी के चरणों में अरदास बेनती की जाती है। तुसी शायद घाटी को खेडों के प्रोग्राम होंगे होंगे जिहड़े शुरू होने तो पहला गुरु महाराज जी के चरणों का उड़ासा लिया जाता होगा। होरना कार्य तुसी करते हैं पर यह मैं बहुत ही पसंद आए थोड़े वालों ये जो तुम प्रोग्राम बनाया तो मैं बधाई देना सारे प्रबंधकों ये नाल अपने कार्य सफलता लिए होर शक्ति मिलेगी। गुरु महाराज अंग संसाई रहेंगे ये एक मनोबल थोड़ा होर वधेगा। शिकार नगर वाले इस क्लब के जेडे जिम्मेवार सज्जन जिन्होंने नगर वाले ने खिडारियों ने यह जिम्मेवारी सौंपी उन्होंने सारे मैं इस गल की बधाई देना कि तुसी एक बहुत ही वधिया कार्य कई सालों तो शुरू किया। मैं समझना कि जेडे तुहाडे पिंड दे खिडारी ने
कारण ये जो सलाना खेडा करवाते हो तां रवायत होंगे पिंड जिन्हें पिंड अमली हो उ अमलियों की गिनती बढ़ जाती है वेखो वे कि नशे वाल तुर पेंदे जिन्हें पिंड खिडारी हो उ खिडारी बढ़ जाते हैं जिन्हें पिंड शराब कड़न वाले हो शराब कड़ी जाते पर तुसी एक बहुत ही चंगे पासे अपनी नौजवान पीढ़ी नूं लाया जिहड़े बच्चे हर रोज सवेरे अमृत वेले इस ग्राउंड में आ जाते हैं उन्होंने नशे वाले पासे जाण दा मतलब नहीं क्योंकि एक मुकाबले की भावना बन गई उन्होंने मुकाबला करना खेड दे मैदान नाल साडे सिख धर्म विच बड़ी महानता खेडा दी गुरु नानक देव जी जिन्हां तों आरंभ होया सिख धर्म दा ते दूजे गुरु अंगद देव जी ने खंडूर साहब विच आप अचेचे तौर ते खाड़े बना के उत्थे पहलवान सदे ते उन्हां नूं पहलवानां नूं उन्हां अखाड़ियां विच घुलदिआं अपनी हाजरी विच उन्हां नूं वेंदे रहे कारण इक्को सी कि जिहड़े साडे नौजवान ने वह शक्तिशाली हो शरीरक तौर पर रिष्ट पुष्ट हो मन की गल आ बहर खेड के आया पिंड का नाम रोशन किया मैं समझना भी जिन्ना तुम यतन कर रहे हो समुचे तौर पर नगर निवासी ये यतन थोड़ा शलाघा योग है ये वाल वेख के होर भी रीस करे तो रीस करनी भी चाहिए आ इलाके वालों पूर्ण पिंड वालों क्योंकि अज सा जी समाज की साढ़े नौजवान की स्थिति जी वो तसली बख नहीं अच रो के मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा माण महसूस कर रहा कि यह कार्य साड़ी नौजवानी नाल संबंधित आ परिवार वो तरक्की कर सकता है देश वो तरक्की कर सकता है जिदा नौजवान सारों सोच रखता है नौजवान सेहत के तौर पर नरोआ है उस परिवार का उस देश का उस कौम का भविख उजला होंदा है सो मैं फिर एक बार तुहाडा सारे ही प्रबंधकों नगर निवासियों इस क्लब के अहुदेदार सारिया ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ बहुत बहुत धन्यवाद मैं बेनती करता जो खिडारी ने अगले पास बैठ जाए जो सा मुख मेहमान ने प्रस्तुत कर सकते पिछले पास होकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने जो शताब्दी समर्पित टूर्नामेंट असि उस दिन खिचवा नजारा पैदा कर रहे हैं गुब्बारों के नाल सरदार भगत सिंह जी मेले का उद्घाटन रिबन की कटाई सरदार अमित सिंह शाह ने की उत्थे बोले सौ निहाल के जकारे भी लग रहे हैं सो असी बेनती करते हैं कि यह जो साडा छोटा जिहा संदेशों पेशकार मेला आरंभ हो चुका है आज तीनों
जेकर तुसी दो क मिनट का मैच देखो तो होर वधिया लगेगा। मैं 50 किलो टीम नू कोशिश कर रहा बड़ी पिछले पासे हो जाए सजना कौडी कौडी हर कोई आखे ये कौडी खेड प्यारी कौडी सिद्धी पी सिमा दो भरा ने सिमे ने पाई कबड्डी उधर गया नौजवान बहुत ही वधिया जफा पाया मुंडे ने कोशिश कर रहे निकल दी इधर भी बहुत तगड़े फुर्तीले स्टापर खड़ोते ने सेमा कबड्डी कबड्डी कर रहा स्टापर पहुंच चुका है। लो जी पै गया 50 देखो की बनता है उद्घाटनी मैच दोनों तरफा के नौजवान बहुत वधिया फुर्तीले इस टूरनामेंट की नर्सरी क्लास के कुछ बच्चे ने बहुत वधिया दिल खिंचवा नजारा दूजे पास जिसे लंगर की दाल तैयार हो रही है दाल तैयार हो रही है बाबा चरमन सिंह जी बाबा हरभजन सिंह जी गुरचंद सिंह जी भुजवा इन्होंने हवेली बराबर कहते तलिया पीड़ बराबर होंगी है नौजवानों आ टीम फसदिया अर्जुन सिंह जाजलवाल का लड़का पाया चिट्टे रंग का कशा तोता रंग का नाजे कशे के भरवा जोलदा कुलदीप सिंह कोला कर गए कट्ठा मुठा इधर गया जो मत्ता बापू खड़क सिंह का पोतरा जगिंदर सिंह फौजी साहब का लड़का कल नौजवान के कल ने लड़ाई में कुंडे लगे ने मारा हाथ नौजवान के मोढ़े ते ला के उंगल नौजवान ने नंबर प्राप्त किया ज्ञात ज्योति जोत अगे सेबू राजू ओला हैप्पी लड़के नौजवान खड़ गए ने शिकार मरस शिकार माशिया का मैच सिंह फस गए कुंडिया
मित्रा बह जाए गुड्डी लाके ज्योति है नौजवान सिख सरदार नौजवान मुंडा गल नहीं बनी नौजवान की बढ़िया नौजवान बन सकता है आ जाए बापू दलीप सिंह का पोतरा जगीर सिंह का सपुत्र नौजवान सिख सरदार नौजवान मुंडा मुकाबला बन गया आप जीते मोहन जफा ला के सिंह फस गए मित्रा बहला गोडी ला के राजू दे बलविंदर सिंह का लड़का चुनी लाल का पोतरा पाता जफा नौजवान ने करती धन धन होगी कमाल कला के बापू विरसा सिंह का पोतरा झकोले कबड्डी अगे खड़ गया सोनू आ नन्ना मसीदा नौजवान लड़का जे बड़ा प्यारा नौजवान सोनू इहदा हक किसे सोनू पा कबड्डी कबड्डी नौजवान गया सोनू कबड्डी कर जाफी जाओ एक कल बहुत सोने कबड्डियां पाई नौजवान सोनू ने अगे कंध वगू खड़ गए ने शिकार माशिया के नौजवान जाफिया के रूप में आ कोला दे कंते का भरा अबलकारे का चाचे का पुत भरा फर गया कुड़ी नौजवानों कपाती लक्ष्मण रेखा बाहर का इशारा देता नौजवान ने सहते नंबर कॉल किया और जाता मुड़िया कन्ना वाला जिन्होंने महता आखिर प्यार दे महता बनेगा कित इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर जब भर गया शरीर पत्ता जानते जानते जा नहीं आ रहे ला तू सोनी पांग भरता है हाथ पार लंबे चौड़े सब कुछ है ये को कन भी काफी खुले ने सोनू सेबू कोला राजू हैप्पी आज नौजवानों पंगा पता गया सेबू दे नाल आए सेबू आए काला रंग नहीं मेरा काला है सरदार नहीं गोला नु दफा करो ऐ मेरा काला है सरदार नहीं गोला नु दफा करो सोनू पूरा पैगाम बोल सेबू दा पैगाम बोल जाने हल्के हल्के पापा मांडू सौरे नचिए दरानियां जठानियां नहीं पेके दवे धाणा नचिए आई गल बन गई आ पेके दवे धाणा नचिए सौरे नचिए दरानियां जठानियां आई नच गई आ पारी झांजरा तारे मेरे जी ते मिंटो मिंटी दे दे खाना चलो बन गई गल नौजवान शिकार माशियां वक्त शिकार माशियां ये तबी का मुकाबला पान तंडिया का मुकाबला हिंदुस्तान ते इंडिया का मुकाबला आ पा के जफा ज्योति आ गुरु की ज्योत पा के जफा आ गया खेमे शिकार माशिया दूजे पासे आ गया दूजे महल अगे खर गया फौजी मैं फौजी मैं नहीं बोलना तेरे ना फौजी ढोलना तू नंबर खराब करके आया आज ज्योता उधर ज्योति इधर ज्योता बड़े प्यारे नाम ने माता पिता दे नौजवानों इको पिंड दे नौजवान इको ग्राउंड दे विच मल्ला मारन वाले नौजवान हैप्पी दा पै गया पंगा नौजवान ला लिया नंबर ज्योति ने ला गया बोला जे हाथ नौजवान ने मेले ਨਿੱਤ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਖੇਡ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਉਡਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਚ ਰਚ ਗਈ ਕੌਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਵਾ ਪੁੱਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁੱਤ ਲਾ ਤੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਮਸਲ ਜਾਪਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਜੋਤੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਦੋਰੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਤੀ ਕਾਸਟਰ ਪਲੀਜ ਪਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਯਾਰ ਨੀ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਆ ਵੇਖੋ ਵੀਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਖੜਗੇ ਕੰਧ ਆਹ ਕੰਧੇ ਦਾ ਭਰਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਇਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਦੋ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌੜਾ ਏ ਤੇ ਚੌੜਾ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ ਮੱਤਾ ਮੱਤਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਆ ਜੇ ਲੂਕਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਆ ਨਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਜਵਾਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੇਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੇਟਰ ਆ ਜੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਪਾਈ ਪੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਪਵਾਈ ਆ ਖਤਮਾ ਜੋਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਟਾਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲਓ ਜੀ ਮਾਂਡੂ ਆ ਮੰਨਾ ਕਬੂਤਰਾ ਵਾਲਾ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੰਨਾ ਕਬੂਤਰਾ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ 12 ਫੁੱਟ 12 ਫੁੱਟ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਾਲਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੇਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਧਾ ਜੋਧਾ ਮਾਨਕੂਆ ਲੈ ਜੋਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਜੋਤਾ ਜੇ ਬਿਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਤਾ ਸਵਰਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲਡਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸੀਆਂ ਵਰਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਫਸ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾ ਬਹਿਦਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬਹਿਦਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੋਤੀ ਆ ਲਾਇਆ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਵੀਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੋਤੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਆ ਆ ਸਰਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆ ਮੱਤਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਸਿਖਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇਗਾ ਕਦੇ ਮੱਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕੇ ਕਹੀਏ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਮਾਂਡੂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੱਕ ਗੁਣ ਦੇ ਗਰੋਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਲੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਦੋ ਮੱਥੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਾਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਹ ਮੱਥਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਮੱਤਾ ਭੋਲੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੱਤਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡੀ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਭੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਇਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੜਦਾ ਆ ਮਹੱਤਾ ਆ ਫੌਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਵਾ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬਿਕਰਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਨੋਖੀ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀਤਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਮਹੱਤਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਗੋਰਾ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਧਰਦਾ ਧਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜੋਤੀ ਆ ਜੇ ਆ ਜਾਜਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਰਾਜੂ ਆ ਰਾਜੂ ਬਮਿਆਲ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਟੇਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੱਫਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਨ ਮਾਂਡੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਂਡੂ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੰਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਪੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਦੋ ਵਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾਲਿਆ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਭੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਨੌਜਵਾਨੋ ਚੌੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਲਾਓ ਜੀ ਜੋਤਾ